Good evening, ma'am. A very good evening. Yes, ma'am, you can start the session, ma'am. All right, thank you so much. A very warm welcome to all of you who are here to attend this session with me today. Uh, let me share my screen and uh, then we can just dive into the topic without wasting time. I respect all those teachers who have reported on time for this session, so would not want to delay the beginning. Okay so today we are here with the topic which is part of life skills and we call it as self awareness and my dear teachers uh, this is a topic which is very important not only for our students but also for all the teachers all the human beings in general right so uh, the intention of using this uh, topic for the teachers is से द मोर अवेयरनेस दैट यू क्रिएट फॉर योर ओन सेल्फ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पीपल ठीक है अपने बारे में अपनी uh, अंदर जो बातें चलती है उसके बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं तो हम लोग दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एम आई ऑडिबल टू एवरी वन इज इट क्लियरली क्लियर फॉर एवरी वन सबको सुनाई दे रहा है ठीक से अगर हाँ तो प्लीज पुट और थम्स अप सो दैट आई नो अच्छा जिसको मुझे हैज uh, दैट आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है तो प्लीज आप अपना सिस्टम चेक कर लीजिए बाकी लोगों को सब कुछ सुनाई दे रहा है प्लीज चेक योर ओन सिस्टम सो दैट यू नो साउंड इज नॉट एन इशू ठीक है सो टू बिगिन विद पहले हम सबसे पहले समझेंगे सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होता है द मीनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस सो इट इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ अपने आप पे कैसे फोकस करना है वो सेल्फ अवेयरनेस होता है और ये किस पे डिपेंडेंट होता है हमारे एक्शंस हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस ये जो तीन वर्ड्स मैंने कहा एक्शंस थॉट्स एंड इमोशंस ये तीनों जुड़े हुए हैं दे आर इंटरलिंक्ड हम जो करते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे थॉट प्रोसेस से होता है और हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जिस इमोशनल स्टेट में होते हैं वो उसको अफेक्ट करता है उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप बहुत किसी से नाराज़ हैं आप किसी से झगड़ा करके स्कूल जाते हैं ठीक है घर से निकलते वक्त आपका घर में बहुत भयानक सा झगड़ा किसी से होता है और आपका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त बहुत यू नो अपसेट वाला स्टेज पे है राइट right? आप दुखी है परेशान है इरिटेटेड है एंग्री है सो इमोशनली यू आर डिस्टर्ब्ड यूर राइट दिमाग में थॉट्स क्या चल रही है इस वक्त दिमाग में थॉट्स में चल रहा है कि उस बंदे ने मुझे ऐसा कह कैसे दिया हमारे बीच में जो डिस यू uh, नो you know, डिस uh, है वो किस कारण से हो गया हम लोगों में मिसअरस्टैंडिंग जो चल रही है किस कारण से चल रहा तो हमारे दिमाग में पूरे टाइम यही थॉट्स है हम इस थॉट्स और इस इमोशंस को लेके जब क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे अंदर क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्बेंसेस है तो जो हमारे एक्शंस होंगे वो बहुत पॉजिटिव नहीं होंगे या तो हम उस दिन बिल्कुल पढ़ाने के मूड में नहीं होंगे पढ़ाने के मूड में अगर आ भी गए तो गुस्सा आ रहा होगा ज़रा ज़रा सी बात पे हम तनक रहे होंगे बच्चों के ऊपर उनको डांट रहे होंगे उनको पनिशमेंट दे रहे होंगे सो ऑल दीज थिंग्स हैपन पहले हम कहते हैं ना थोड़ा फोकस करिए अपने आप को काम डाउन करके किसी काम करने की कोशिश करनी चाहिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इफ यू आर हाईली सेल्फ अवेयर अगर मैं एक सेल्फ अवेयर पर्सन हूं तो क्या होगा मैं अपने हर कार्य को अच्छे से इवेल्युएट कर पाऊंगा अपने इमोशंस को मैनेज कर पाऊंगा और अपने बिहेवियर को अपने उस से कर पाएंगे राइट right? उसको किस तरह से हमें बिहेव करना है वो हमें समझ में आएगा वी विल बी एबल टू डू दैट राइट सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अलाइन आर बिहेवियर विथ आवर ओन वैल्यूज एंड अंडरस्टैंड करेक्टली हाउ अदर्स परसीव यू देखिए वैल्यू सिस्टम की बात होती है हमारी अपनी एक यू नो पर्सनल वैल्यू सिस्टम कहलाती है आपको अगर बहुत गुस्सा आता है तो आप किसी पे भी चिल्ला देते हो ये आपका तरीका है पर वही चीज अगर कोई आपके साथ करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है राइट सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर ओन वैल्यू सिस्टम की जो चीज मुझे पसंद नहीं है कोई और मेरे साथ ऐसे काम करे अगर वो मुझे पसंद नहीं है मुझे भी खुद ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए वी मस्ट कंट्रोल दैट काइंड ऑफ बिहेवियर वेर वी नो दैट इफ दिस इज डन टू मी आई विल नॉट लाइक इट राइट आई मस्ट डू ओनली थिंग्स विच आर If you know in turn done to me, I would not mind, right? अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आता है और आपको चिल्लाने की आदत है तो कोई और अगर आपके ऊपर चिल्ला के जाता तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो राइट right? सो so, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे थॉट प्रोसेस को हमारे इमोशनल स्टेट को बहुत बहुत ही काम रखना चाहिए हमें बहुत समझदारी के साथ लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए देखिए ह्यूमन रिलेशनशिप्स हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है ह्यूमन रिलेशनशिप हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट पे डिपेंड करता है राइट right? आप इमोशनली किसको किस तरह से डील करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा राइट सो सेल्फ क्या होती है? हमारी अपनी एबिलिटी कि हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं, राइट नाउ सेल्फ अवेयरनेस मींस द हैबिट ऑफ पेइंग अटेंशन टू द वे यू थिंक फील एंड बिहेव कैसे आप सोचते हो वो सोच आपको किस तरह का फीलिंग देता है और उसके बाद में आप कैसे बिहेव करते हो ये तीन चीजें हमेशा आपसे जुड़ी हुई है। हम किसी से भी बात करते हैं हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं ये तीन चीजें हमारे साथ चलती है राइट हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स या इमोशंस और द वे वी बिहेव राइट हम कभी भी किसी से बिहेव करते वक्त प्लान नहीं करते कि हाँ इसके साथ मुझे ऐसा बिहेव करना है उसके साथ मुझे ऐसा बिहेव करना है क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसीज जो होती है वही जनरली दिखाई देती है हाँ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कैलकुलेटिव वे में अपनी लाइफ को जीते हैं कि हाँ इनसे मुझे ऐसे ही बात करनी है क्योंकि इनको यही पसंद है इनसे मुझे ऐसी बात नहीं करनी है क्योंकि इनको ये पसंद नहीं है राइट सो यू कैलकुलेट इट एंड यू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दैट राइट दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ हैंडलिंग पीपल हमारी जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स और हमारी ह्यूमन लाइफ में सोशल कनेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है राइट right? और सोशल कनेक्ट में हमें लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है ना कि सिर्फ अपने बारे में राइट सो इट मीनस लुकिंग फॉर पैटर्न इन द वे and टू थिंक happens. देखिए हम लोगों के सबके तरीके होते हैं कि कोई भी चीज कही जाती है तो उसकी उसको हम किस तरह से रिएक्ट करें आई गिव यू अनादर एग्जाम्पल खाने की टेबल पे हम लोग जब बैठते हैं ठीक है अगर हमने खाना नहीं बनाया है और हम खाने बैठे हैं तो हम लोग ज्यादातर बड़े क्रिटिकल होते हैं क्रिटिकल क्यों होते हैं कि अरे इसमें तो नमक ज्यादा है अरे इसमें तुमने आज फिर घी तेल ज्यादा डाल दिया अरे मिर्च ज्यादा है हम लोग बहुत ज्यादा उसमें नुक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि किसी और ने बनाया हुआ होता है राइट और खुद के बनाए हुए खाने को हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओ आज इसमें थोड़ा नमक ज्यादा डल गया मुझे नमक थोड़ा कम डालना था यू you नो know, हम अपने आप को समझा लेते हैं पर हम जब किसी और के लिए बोलते हैं तो क्या होता है हम उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं और हम उसको बिल्कुल यू you नो know, एक तीखे टोन मेरे सामने वाले को बताते हैं ये ज्यादातर घरों में होता है और ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है और हमें क्या कोशिश करना चाहिए देखिए मैं हमेशा अपने परिवार में हम मेरे बच्चों को मैं ये समझाती हूँ आपको भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए देखिए कोई भी आपके लिए कुछ भी काम करता है तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालता है राइट आज मम्मी ने खाना बनाया या कुक ने खाना बनाया किसी ने भी खाना बनाया हो उसने उसमें कोई एफर्ट डाला होगा मेहनत करी होगी सोचा होगा कि आज मैं आपके लिए ये खाना बना के आपको खिलाऊं और एक एक्सपेक्टेशन अंदर से होती कि सामने वाला उसको खुशी सिखाए राइट ये एक्सपेक्टेशन जो भी खाना खिलाता है उसके अंदर होती है कि सामने वाला इस खाने को प्रेम सिखाए खुशी सिखाए पर इंस्टेड ऑफ दैट अगर सामने वाला हमें खाली इसमें क्या नहीं है वही बताने लगेगा तो करने वाले का मन भी खराब हो जाता है राइट तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नो बींग क्रिटिकल ऑल द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट एक पहला स्टेटमेंट आपका अप्रिसन से भी हो सकता है कि ओ वाह आज आपने खाना बनाया थैंक यू सो मच फॉर द फूड दैट यू हैव फूड राइट दिस इज वॉट यू कैन बिगिन विद ओके एंड इफ यू स्टिल फील दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग विदे खाते हाँ डीमोटिवेशनल नहीं होना चाहिए शुभम यू आर एब्सोल्यूटली राइट खाते खाते आप उसमें कमेंट ना करें खाने के बाद भी आप कह सकते हो कि आज के खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा था अगर थोड़ा कम होता तो मज़ा आ जाता खाने में खा लिया कोई दिक्कत नहीं है पर आगे हम लोग को नमक पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए यू नो सो इवन इफ अ कुक इज कुकिंग अगर आप मेरी आदत है मैं अपने घर में कुक जो खाना बनाती हूँ उसको जब भी कोई चीज अच्छी बनी होती है तो मैं तुरंत उसको यू नो अप्रिशिएट करती हूँ कहती हूँ कि आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया बहुत मजा आया जब खाना अच्छा में कुछ कमी होती है तो मैं तुरंत कुछ नहीं बोलती अपना हाथ धोके प्लेट रखने के बाद तो जो सामने जो कुक होते उसको भी समझ आ जाता कि कुछ तो कमी रही है आज भाभी कुछ बोली नहीं है तो वो क्या बोलती है कि बता दीजिए आज क्या रहा तो फिर मैं उसको बताती हूँ कि देखो खाने में बहुत मजा आ जाता अगर उसमें थोड़ा सा नमक ठीक होता ठीक है आज गड़बड़ हो गई थोड़ी सी पर हम लोग इसको इम्प्रोवाइज कर सकते तो हमेशा ही खाना अच्छा बनाती हो एक नमक के पीछे हम क्यों बेकार में बहस करें यू नो एंड थिंग्स आर ऑल राइट द अदर पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट द नेक्स्ट टाइम बिकॉज आई डिड नॉट कीप एनी हार्श फीलिंग अगेंस्ट हर राइट सो यू नो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग आर ओन इमोशन एंड मूड्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड और फिक्स हाउ वी फील वी ऑब्जर्व एंड स्टे क्यूरियस अबाउट डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल अंदर से आपको बहुत निचोड़ रहा है कि हाँ मुझे बोलना है पर आप आपको कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आपके नहीं बोलने से प्लेजेंटनेस मेंटेन हो सकती है और आपके बोलने से चार लोग जो और खाना खा रहे हैं ना वो लोग को भी लगेगा हाँ यार नमक तो ज्यादा है और बार बार वो थॉट बार बार आती रहेगी राइट रहे रहे तो इट इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन अवॉइड आई थिंक दैट यू कैन टेक केयर ऑफ while यू आर ट्राइंग टू बी विथ अदर्स देखिए डाइनिंग टेबल पर जब खाने बैठते हैं ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं और एक जो बहुत uh, अच्छी चीज़ मैं प्रैक्टिस करती हूँ और वो मैं हमेशा अपनी प्रैक्टिस चीज़ों को ही शेयर करना पसंद करती हूँ कि आज के दिन हमारे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ डाइनिंग टेबल पर शेयर करने के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि आज मेरे जिंदगी में जो सबसे अच्छा मोमेंट था आज की तारीख में वो क्या था देखिए कई बार बच्चे बोलते आज ना ना मेरा फ्रेंड न, टिफिन में छोले भटूरे लेके आया था मजा आ गया मम्मा मेरे टिफिन में तो कभी छोले भटूरे जाते नहीं पर प्रशांत की मम्मा ने बहुत अच्छा बनाया था सो यू नो देर इज एन अप्रिसिएशन दैट यू शुड गो वाव दैट सो अमेजिंग एंड बाय द वे तुमको छोले भटूरे इतने पसंद है तो संडे को जरूर तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनेंगे यू नो द द मूड इन ऑन द टेबल चेंजेस राइट सो वी इंसिस्ट ऑन टॉकिंग ओनली समथिंग दैट हैु आवर डे और देखिए पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बुरा हुआ हो एक छोटी सी चीज भी अच्छी हो सकती जैसे बगल वाले अंकल ने जाते जाते सुबह सुबह आपको देखा और आपको गुड मॉर्निंग विश कर दिया तो आपको लगा अरे आज ना नेबर वाले अंकल ने हमको बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा

आप उठ के जाके उस चाय को गर्म करके पी भी सकते हैं राइट ठंडी होने का भी कोई कारण होगा यू नो जनरली क्या होता है सुबह का समय मल्टीटास्किंग चल रही होती किचन में टिफिन भी बन रहा है बच्चे का टिफिन बन रहा है खुद का टिफिन बन रहा है फैमिली मेंबर का टिफिन बन रहा है उसके बाद लंच की तैयारी कर बहुत सारी चीजें यू नो हो रही होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने रिएक्शंस को थोड़ा सोच समझ के यू you नो know, आने दें

मुस्कुरा दे राइट सो दिस इज वॉट यू शुड बी लुकिंग इन टू ओकेट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके वॉट आर द दिनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अब बताइए जब मैं इतनी सारी बातें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कर रही हूं अगर हम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो क्या क्या उसके फायदे हो सकते हैं द फर्स्ट वन से बेटर रिलेशनशिप जब आप अपनी वाणी में से बोलने के बोल चाल के तरीके में से नेगेटिविटी हटा देते हैं तो क्या होता है सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार होता है देखिए बहुत लोग होते हैं जो बहुत तीखा बोलते हैं राइट या फिर सरकैम बहुत होता है मतलब आप कुछ कहते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और होता है अच्छा तो तुम आज समय पे आ गए यू नो इनड ऑफ अप्रिशिएटिंग द पर्सन

उतना हम एक बेटर ह्यूमन बींग होंगे इनफैक्ट मैं एक और बात हमेशा कहती हूं कि कोई बात हम जैसे एक कॉन्वर्जेशन में मैं और आप बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुनना बहुत जरूरी है क्यों सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप पूरी बात सुनते नहीं है तब तक आप अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोज uh, करने की कोशिश करते हैं राइट तो अगर आपने पूरी बात सुनी है और उसको समझने का प्रयास किया है तो सुनी हुई बात को समझकर आप रिस्पॉन्स देते हो पर जनरली हम लोग क्या करते, है? हम response है, हम करते हैं हम रिस्पॉन्स नहीं देते हैं हम रिएक्ट करते हैं हम आधी बात सुनते हैं और बाकी की बात अपने मन से कहके सुना देते हैं राइट और उससे क्या होता है कि uh, सामने वाला शायद आप जो सोच रहे वो सोच भी नहीं रहा था आपने उसके उसको वो सोचने के लिए मजबूर कर दिया राइट सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो सेल्फ अवेयरनेस रहेगी हम सामने वाले को बोलने का और उसकी बात सुनने का मौका देते हैं और रखते हैं तो हम लोग एक बेटर रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं देखिए हम लोग सब ऐसी लाइफ जीते हैं जहां हमारे आग आसपास इतने लोग हैं घर पे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपके इनलॉज हो सकते हैं आपकी वाइफ या हस्बैंड हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं आप लोग अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हो राइट और सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी है कि हम अपने बिहेवियर को पहले करेक्ट करें उसके बाद सामने वाले से एक्सपेक्ट करें राइट दूसरा पॉइंट है मूड्स आर मूड्स एंड हाउ वी टेंड टू फील आवर टू आवर इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन हाउ वी चूज टू थिंक एंड बिहेव राइट किस तरह से हम सोचते हैं और हम किस तरह से बिहेव करते हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा मूड कैसे रहने वाला है राइट right? अगर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे सामने वाले से झगड़ा करना है और उसकी कोई भी बात हमें सुननी ही नहीं है क्योंकि वो तो बकवासी करता है आपने डिसाइड कर लिया तो आपका मूड इरिटेबल ही रहेगा आप इरिटेटेड ही रहेंगे आप चाहे लाख कोशिश कर लें आप अपने मूड को उस वक्त नहीं बदल पाएंगे अवेयरनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन thoughts, बिहेवियर एंड इमोशंस इट बिकम्स ईजियर टू रेगुलेट our फीलिंग्स एंड मूड्स बहुत यू you नो know, प्रयास हम लोग कर सकते हैं अपने ही मूड को रेगुलेट करने के लिए अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करने के लिए देखिए मैंने कहा ना जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मैं किसी और के साथ नहीं करूँगा तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स इन लाइफ सुधर जाती है क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ मुझे हर्ट कर सकती है वो सामने वाले को भी हर्ट कर सकती है मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे सामने वाले को हर्ट महसूस हो ठीक है घरों में, में हम लोग रहते हैं तो कई सारी चीजें दिखती है यू नो सुबह उठ के जाते हैं अपना बिस्तर छोड़ के तो आ, कितने लोगों की आदत है कि मैं अपना बेडशीट या रजाई फोल्ड करके रखूं तकिया सही करूं यू नो बिस्तर सही करके अपने अपने बिस्तर को छोड़ू या डू आई डिपेंड ऑन द अदर हाफ ऑफ योर लाइफ आपके हस्बैंड या आपके वाइफ पे डिपेंड करते कि अच्छा वो तो बिछा लेगी वो सीधा कर लेगी उसका काम है देखिए कोई भी काम उसका या मेरा नहीं है जब हम एक घर में रहते हैं तो हम लोग मिल बांट के अगर काम करते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है देखिए कोई भी इंसान 24 घंटे काम करके फ्रेश नहीं रह सकता अगर आप मिल बांट के काम करते हैं तो क्या होता है वर्कलोड शेयर हो जाता है राइट right? तो एक बार ऐसा हुआ कि यू uh, नो you know, uh, हमारे कमरे में मेरी 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 आदत है कि उठ के जाती हूँ तो मैं अपना बिस्तर वगैरह बहुत अच्छे से कायदे से लगा के फिर मैं अपना कमरा छोड़ती हूँ आई वॉज ट्रैवलिंग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम थी तो मैं ट्रैवल कर रही थी और uh, uh, जिस दिन मैं वापस लौटी तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सारा बिस्तर ऐसा ही अस्त व्यस्त पड़ा है रजाई आदि खुली पड़ी है मतलब फैला पड़ा है बिल्कुल तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि अरे ये ऐसे क्यों है मैं तो कभी अपना कमरा ऐसे नहीं छोड़ती हूँ और मेरे पीछे का ये कमरा ऐसा रहता है तो, तो बड़ी दुख की बात है तो मैंने शाम को अपने बेटर हाफ से कहा कि ऐसा है कि आज मैं जब लौटी हूं तो बिस्तर बड़ा अस्त व्यस्त था और मतलब घर में घुसते ही जब एक अस्त व्यस्त बिस्तर दिखता तो बड़ा खराब लगता है तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि आ, वैसे तो मैं रोज बिछा के जाता हूँ अब एक दिन नहीं बिछाया तो उसमें क्या हो गया राइट right? तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ एक दिन नहीं बिछाया तो मैंने बिछा दिया बात खत्म हो गई पर हम लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रोज तो रेखा कर देती है अगर आज रेखा नहीं है तो क्या मैं अपने बिस्तर को बिछा सकता हूं तो यू नो इट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी प्लेजेंटली कम्युनिकेटेड टू हिम एंड ही लाइक द फैक्ट दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू डू इट एवरी डे कि बिल्कुल अगली बार से ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा और बात वही खत्म हो गई और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बिस्तर बिछावा ना दिखा जब मैं नहीं रही मैं नहीं थी तो इट इज समथिंग जो एमिकेबली हम डिसाइड कर लें देखिए कई बार होता है पे है पे डिपेंड करता हम लोग ना लोगों को ब्लेम करते हैं कि देखो साथ में रहते हैं उनको इतना भी नहीं लगता कि मेरे हाथ कामों में हाथ बटा दे जिस तरह से बच्चे की परवरिश होती है देखिए घरों में अगर आप बच्चों को सिखाते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो बच्चे उसी माहौल में बढ़ते हैं पर अगर आप डुअल थिंग रखते हो कि आप किसी के लिए करके दे रहे हो और आप <coughs> सामने वाले से एक्सपेक्ट कर दो आपको तो ये काम करना ही है और आप खुद नहीं करते हो तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाता है राइट right? कॉन्ट्रोडिक्ट्री होने पे हम लोग क्लैरिटी बिटवीन टू पीपल नहीं रख सकते हैं तो फॉलो ये होना चाहिए कि घर में हम लोग सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और उसको सभी लोग फॉलो करें जैसे खाने के टेबल पर से उठते हैं तो हम लोग सब अपनी प्लेट ले जाके धोने डालें ना कि छोड़ के जाए क्योंकि किसी ना किसी को ये काम करना ही है अगर हम खुद उठा के रख देते तो जिसको ये काम करना पड़ता उसके लिए वो एक आराम वाला काम हो जाता है तो मेक इट अ पॉइंट दैट डज इट डुगेदर तो ये फैमिली की एक यू नो सिस्टम में आ जाता है और बच्चा जब ये घर छोड़ के कहीं और जाके रहने लगता है या मिलने भी जाता है तो वो काम जरूर करेगा राइट तो ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना बहुत ही जरूरी है राइट ओके सो लेट मी गो टू दाइड क्लियर डिसीशन कब होती है जब हमारे कन्फ्यूजन होते हैं हम बहुत स्ट्रॉन्गली इमोशनल रियक्शन देते हैं जैसे मैंने बताया ना गुस्सा आते सामान उठा के फेंकना या चिल्लाने लगना ये उन लोगों का काम होता है जो कामली इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं राइट right? देखिए क्या होता है ना हम गुस्से में जो रिएक्शन देते एक बार दो बार तीन बार या चार बार सामने वाला टॉलरेट कर लेगा बार वो भी या तो आपके जैसे बिहेव करेगा या आपके इस टैंट्रम को सुनने से मना कर देगा राइट right? तो देखिए क्या होता है ना कि हम इंपल्सिव होके जो बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है वो शॉर्ट लिव्ड होता है बिकॉज किसी को भी वो पसंद नहीं आता अगर सामने वाले को गुस्सा बहुत आता है तो जब उसको गुस्सा नहीं आ रहा हो उस वक्त उसको समझाने का प्रयास किया जाए कि देखिए आपको बहुत तेज गुस्सा आता है और आप जब गुस्सा होते हैं ना तो आपका रिएक्शन हर्टफुल होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चार लोगों के सामने इस तरह से हम ना चिल्लाएं अगर हम आपको हमसे कुछ कहना है तो हम हम और आप जब बैठे हैं उसको एक एक काम मोड में भी कहा जा सकता है क्योंकि देखिए बात तो बात है चिल्ला के बोलो या शांति से बोलो कम्युनिकेट तो हो ही जाएगी तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका सोच क्लियर हो सकता है राइट सो क्लियर थिंकिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग हैपन्स वेन यू आर सेल्फ अवेयर एंड वेन यू नो हाउ टू रिएक्ट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट ओके मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? जब आपने सामने वाले की पूरी बात सुन के ड किया तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है आपने सामने वाले की बात आधी सुन के रिएक्ट किया तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है राइट सो so, जरूरी है कि कम्युनिकेशन को हम बहुत कंट्रोल्ड मैनर में कर सके देखिए गुस्सा आता है मैम हम हमेशा कहती हूँ गुस्सा आता है ना ये उंगलियां भगवान ने दिए ना शुरू कर दीजिए बैक काउंटिंग हंड्रेड नाइनटी नाइन नाइनटी एट मन के अंदर 97, 96, 95, सामने वाला बोलता जा रहा है आपसे चिल्लाता जा रहा है आप 95, 94, 93 ये करते जा रहे हैं तो क्या होगा आपका स्टेट ऑफ माइंड शांत होने लगता है आप कोशिश नहीं करते कि आप सामने वाले पे चिल्लाए क्योंकि बाय द टाइम ही फिनिशेस यू आर ऑलरेडी काम्ड राइट आपका आपका जो लेवल ऑफ यू नो रिएक्शन जो होने वाला था वो सेटल हो चुका होता है तो गुस्सा अगर आ रहा हो तो उसको शांत करने के तरीके होते हैं गुस्से में कोशिश करिए कि जवाब सवाल जवाब ना करें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ सवाल जवाब होने लगते हैं वहाँ पर वहाँ पर फिर झगड़े ही उसका यू नो एंड होता है राइट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अगर हम अपनी हर चीज़ को सोच समझकर प्लान करके करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं मैं आपको आपके साथ मैंने पहले भी किया हुआ है टाइम मैनेजमेंट की बात हम हमेशा करते हैं देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कहती हूँ मैं हमेशा कि ये ना आप लोगों को एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए मैं कहती हूँ ना हमेशा तो उससे क्या होता है आपको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि मुझे क्या क्या काम आज करने हैं और पता है जब टू डू लिस्ट हाथ में होती है तो आप जल्दी जल्दी काम खत्म करने का प्रयास करते हैं और आपके पास फिर ज्यादा समय भी बचता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कब होती है जब आपको पता है कि मेरे चार काम होने हैं और मैं चारों काम करने के बाद पांचवा और छठा काम भी करने के लिए तैयार रहता हूं तब मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है राइट एंड दिस थॉट्स इमोशंस एंड हैबिट्स आर ऑल अलाइं राइट सो हाउ कैन वी इम्प्रूव कैसे अपने सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर इमोशंस देखिए क्या होता है ना कई लोगों को होता है जलन होना कि उसके पास सब कुछ है मेरे पास कुछ नहीं है यार वो कैसे इतना मैनेज कर लेता देखिए हम इसी जलन में परेशान होते हैं अपनी जिंदगी गला देते हैं यू नो यू फील सो सॉरी फॉर योर सेल्फ दैट इंस्टेड ऑफ वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग योर सेल्फ अ बेटर ह्यूमन बींग यूर स्पेंडिंग ऑल योर टाइम क्रिबिंग एंड यू नो फीलिंग जेलस अबाउट द अदर पर्सन सो एक्सेप्ट योर इमोशंस दैट ओके आई फील सैड वेन आई सी अदर पीपल डूइंग बेटर बट फीलिंग सैड इज नॉट द सल्यूशन द सोल्यूशन इज टू वर्क टूवर्ड्स समथिंग बेटर राइट अप्रिशिएट योर स्ट्रेंथ्स आप में और मुझ में हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स होती है जो वर्कबल है हम अपनी मेहनत के साथ बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और हम सब में स्ट्रेंथ होती है जैसे मैं कहती हूँ ना मुझ में स्ट्रेंथ है ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम समय में कर पाने की क्योंकि मैं वो प्लैंड वे में करती हूँ मुझे पता है कि मेरे दिन मेरे पास यू नो आठ घंटे सोने के बाद सोलह घंटे का टाइम बचता है तो उसमें मुझे क्या क्या करना है तो ये कोशिश करना कि अपने उस सोलह घंटे में मैंने अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया है ये मेरी स्ट्रेंथ है ये मेरी हिम्मत है अपने उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए राइट कीप एन इमोशनल जर्नल एक डायरी एक छोटी सी डायरी पे आपको जो बुरा लगता है या आपको आप आप बहुत हो, हो जाते कुछ चीजों के बारे में तो उसको तुरंत लिख दीजिए एंड दिस डायरी शुड बी अ पर्सनल डायरी विच यू नो शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स इससे क्या होता है कि जो अपना भार होता है ना तो आपने किसी डायरी में लिख के उससे शेयर कर लिया उससे क्या होगा आपका मन हल्का होता कई बार कई बातें होती जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते इनफैक्ट पता है एक बहुत बहुत अच्छा सा एक किसी ने मुझे बताया था कि एक ट्रेनिंग सेशन में गई थी तो one, one, uh, it, said, said said, मुझे जब बहुत मैं बहुत अपसेट होती हूँ और मुझे रोना आता है दुख होता तो मैं क्या करती हूँ अपने मोबाइल फोन में uh, uh, एक uh, जो जहां पे आप नोट्स लिखते हैं ना नोट्स वाला पेज खोलती हूँ उसमें सब कुछ लिख डालती हूँ पूरी मन की सारी भड़ास उसमें लिख देती ठीक है उसके बाद उसको मैं एक दो बार पढ़ती हूँ दो बार पढ़ने के बाद मुझे लगने लगता है कि अरे यार ठीक है इट्स ओके यू नो आई नो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग मी एंड आई हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट इट आउट सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कुछ लोगों के लिए वो वर्केबल होता है लिसन टू द मैसेज देखिए आपका हार्ट आपका मन आपका दिमाग आपको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मैसेज देता रहता है करो या मत करो देखिए क्या होता है ना कि आ, 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 आपका जैसे कोई फास्ट करता है व्रत रखते हैं लोग राइट तो क्या होता है जैसे हर हर मंगलवार को व्रत रखने वाले लोग होंगे या सोमवार को व्रत रखने वाले लोग होंगे तो क्या होता है उनका बॉडी क्लॉक उनको सुबह ही आंख खुलते ही बता रहे आज व्रत है ना सुबह जल्दी से नहा लेना पूजा करनी है आपके दिमाग में ये घंटी बच जाती है और दिन भर में आपको लगता रही नमक वाला नहीं खाना है अरे मुझे ये नहीं खाना है तो ये आपका ये आपका दिल के अंदर से बात क्यों आती है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उस चीजों को फॉलो करते हो सो ऐसे ही अगर कोई कोई सामने वाला से आपकी झगड़ा हो रहा तो एक अंदर से एक एक शाउटिंग आती कि यार छोड़ दो रहने दो इट्स ओके आता है या फिर आपको ये बोला जाता है अरे लड़ो उसको आज इतना लड़ो कि सामने वाला एकदम बोल बोल के चुप हो जाए सम कॉलिंग कम्स फ्रॉम योर हार्ट

तो घरों में होता है ना कि पूरा दिन काम करने के बाद में वाइफ गेट सो इरिटेटेड तो आपको मालूम है कैर यार वो दिन भर काम करती है वो इरिटेट हो जाती है तो मुझे चुप रहना चाहिए बेटर ऐसे ही होता है मेन के लिए भी कि uh, मेहनत करके थक थक के आते हैं तो थोड़ा चुप भी रह गए तो सामने वाले का कुछ बिगड़ेगा नहीं हम कुछ कुछ बचा सकते हैं राइट हाउ टू सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं पे अटेंशन टू बॉदर्स यू अबाउट अदर पीपल ये क्या होता है क्या चीजें हैं जो आपको इरिटेट करती है लोगों में झूठ बोलना जैसे मेरे साथ होता है कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे बड़ा खराब लगता है और मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि चाहे कितना भी गलत हो सच बोलोगे तो उसका सोल्यूशन निकल जाता है झूठ बोलोगे तो उसको छुपाने के लिए आपको झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है और अगर किसी दिन आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आप सामने वाले की नजरों से गिर भी जाते हो तो कोशिश करिए कि आप झूठ ना बोला करें बल्कि सच बोलने की हिम्मत रखा करें तो आपको अपने अंदर भी सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दूसरों में पसंद नहीं है अगर आपको वो दूसरों में पसंद नहीं है तो आपको वो चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए सो रिफ्लेक्शन ऑफ सम क्वालिटी वी वी डिसलाइक इन विल टू प्लेस हियर अबाउट वी थिंक अबाउट वॉट वी डोंट लाइक अबाउट अदर्स सो वेन एवर समथिंग दैट सीम्स टू पर्टिकुलरली और इरिटेट यू आस्क योर सेल्फ कुड दिस बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग इन मी दैट आई डिसलाइक डू आई डू सम वर्जन ऑफ दैट क्या मैं भी ऐसा करता हूं तो यू you नो know, कोशिश करके आप ऐसी चीजें दोहराए नहीं तो जैसे अगर मैं लेट हूँ स्कूल से आने में या ट्रेनिंग सेशन से आने में तो मैं फोन पे बताती हूँ कि मैं आज पांच बजे ही निकल पाई हूँ इसलिए मैं लेट आ रही हूँ और यू you नो know, इसमें कोई बहाने नहीं है सच्चाई यही है तो क्या होता है कि मुझे घर में जाके फिर कोई रीजन्स नहीं देने पड़ते कि भाई आज आप इतनी लेट क्यों हो गई हैं क्योंकि घर में बच्चे वेट करते हैं तो उनको लगता है कि मम्मा को टाइम से आना चाहिए uh, मम्मा टाइम से नहीं है तो आज बच्चे हमारे एक्सेप्ट कर लेते कि अच्छा वे ऑफ एक्स्ट्रा वर्क सो दे कैन कनेक्ट विद इट एंड द ट्रूथ एंड रियालिटी मेडिटेट ऑन योर माइंड देखिए बहुत गुस्सा आने वाले लोगों को या जिसको रिएक्शंस Uh, मतलब कई बार होता है ना कोई सामने कोई सवाल पूछता है तो आप जवाब ही नहीं देते आप चुपचाप बैठे रहते हैं और चार बार पूछने के बाद भी जब आप, आप जवाब देते हैं तो आप एकदम मतलब आधा अधूरा सा जवाब देते हैं तो क्या होता है यू नो यू नो दैट द अदर पर्सन इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट अक्रॉस यू बट यू आर नॉट लेटिंग द पर्सन गेट अक्रॉस यू तो ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जिस तरह का बिहेवियर मैं सामने वाले के साथ करता हूँ क्या ये सही है दिन में थोड़ा सा वक्त अपने लिए देना मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा ध्यान लगाएं क्योंकि तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होती क्योंकि मैं जैसे जितनी जैसे ही आंख बंद करती हूँ मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगती है तो जो मेडिटेशन आपको करनी है वो छोटी सी मेडिटेशन होनी चाहिए और वो आप अवेयरनेस के साथ करिए जैसे मैं अपने आप को कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू क्लोज माई आईज फॉर नेक्स्ट टू मिनट्स एंड आई एम गोइंग टू चैंट समथिंग लाइक दिस यू नो तो जैसे मैं अगर मैं ओम बोलना चाहती हूँ तो मैं आंख बंद करके दो मिनट के लिए मतलब घड़ी में घड़ी टाइम दे के मैं आंख बंद करती हूँ और ओम करके बोलने लगती हूँ और दो मिनट के बाद मैं आंख खोल के देखती हूँ मतलब अराउंड टू टू मिनट्स आंख खोल के देखती हूँ और मुझसे लगता है कि मैं इसको इंक्रीज कर सकती हूँ तो मैं थर्ड मिनट पे जाती हूँ तो कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हमसे हो सके उतना अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए और वो दो मिनट चार मिनट पांच मिनट अगर आप कर सकते हो दिन में तो वो आपको तैयार करता है रिएक्शन से रोकने के लिए क्योंकि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हो राइट रीड हाई क्वालिटी फिक्शन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर अच्छी किताबें पढ़ते हो स्टोरी बुक्स खास करके मैं बोलती हूँ कहानियां फिक्शन जो बोलते हैं ना क्या होता है ना जो स्टोरीज लिखता है फिक्शंस लिखता है और वो चाहे रियल स्टोरी भी ना हो चाहे वो एक आ, मतलब मन घणत स्टोरी हो तो भी क्या होता है कि उसमें बहुत थॉट प्रोसेस डाली जाती है कि हम लोग उसको उसी नजर से देखें कई बार होता है कि लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीजें हम जिस स्टोरी को पढ़ते हैं उससे कनेक्ट कर पाते हैं राइट अरे ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी जैसी ही है कि देखो कैसे मैं तो कर ही नहीं पाता इसको देखो कैसे कर लेता है राइट तो क्या होता है कि कई बार हम जब बहुत अच्छी राइटर की किताबें पढ़ते हैं उनकी सोच को हम समझते हैं और कई बार ये भी होता है कि इस सिटुएशन में मेरे रिएक्शन कैसे होते हैं और सामने वाले ने किताब लिखने वाले ने देखो किस तरह के रिएक्शन दिए तो कई बार हम लोग सीखते भी हैं राइट वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स बाय पेइंग अटेंशन टू द ऑथर्स राइटिंग आल्सो हम लोग मोटिवेशनल स्पीचेस क्यों सुनते हैं या मोटिवेशनल बुक्स क्यों पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों के कामों से लोगों के बोलने के तरीके से लोगों के लिखने के तरीके से राइट सो इट इज ऑलवेज गुड टू रीड गुड क्वालिटी बुक्स विल इन्फ्लुएंस यू इन द राइट डायरेक्शन ओके आइडेंटिफाई योर इमोशनल क्रिप्टोनाइट वॉट इज क्रिप्टोनाइट क्रिप्टोनाइट का मतलब होता है शॉर्टकमिंग आप में क्या कमियां हैं आपकी इमोशनल कमियां क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए नो बडी लाइक्स टू फील सैड अशेम्ड और एनी अदर पेनफुल इमोशन किसी को शौक थोड़ी है कि अपनी बेजती करवा ले रहे या यू you नो know, चिल्लाने की आदत रखे कि किसी को शौक नहीं होता है पर क्या होता है कि हम लोग कई बार कोशिश भी करते कि हम इस तरह का बिहेवियर नहीं करें पर हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं क्यों नहीं रोक पाते क्योंकि हमें अपनी बोलते हैं हमें खुद की नहीं होती है हमें अपने आप को ये समझाना भी जरूरी है कि जिस इमोशनल आउटबर्स से मुझे भी तकलीफ होती है देखो जो बहुत गुस्सा करता है या चिल्लाता है वो खुद भी अंदर से खुश नहीं होता है उसको करते वक्त तो अगर उसको खुद को ये बात समझ में आए कि आई शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ बिहेवियर अपने आप पे काम करने का मौका मिलता है हम अपनी परेशानियों को आइडेंटिफाई करके उस पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं जिंदगी भर कोई इंसान गुस्सा करता रहता हो तो वो इसलिए है कि किसी ने उसको आ, सामने से, से. देखिए होता है हम कह देते तो मैं बड़ा गुस्सा आता कैसे बोलना नहीं चाहिए किंतु अगर आप उसको समझाएंगे कि गुस्सा करने से तुमको किस किस तकलीफों का सामना करना पड़ता है देखिए जो बहुत गुस्सा करता है मैंने देखा है बीपी हाई रहता है यू नो आउटबर्स के कारण एकदम सर फटने लगता है गुस्से के कारण तो ये सारी चीजें आपको भी तो परेशान कर रही है तो ये चीजें सामने वाले को समझ आनी चाहिए कि हु आर यू वॉट काइंड ऑफ बिहेवियर आर यू रिफ्लेक्टिंग डू आई नो अबाउट माई ओन इमोशनल शॉर्टकमिंग राइट वॉट इज हाउ वट इज वन थिंग इन योर लाइफ दैट हिंडर्स यू फ्रॉम लिविंग आउट योर विजन हम जब पता अपने विजन के बारे में सोचते हैं देखिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है इमोशनल ईटिंग साइकिल देखिए क्या होता है ना हम लोग जब बहुत डिप्रेस्ड uh, uh, होते हैं डिप्रेस्ड का मतलब होता है बहुत दुखी होते हैं और बहुत परेशान होते हैं तो क्या होता है मीठा खाने लगते हैं बहुत सारा मीठा खाने लगते हैं राइट right? और जब हम uh, uh, बहुत uh, खुश होते हैं तभी मीठा खाते हैं मिठाई सेलिब्रेशन मोड में आ जाते हैं तब भी खाते हैं तो देखिए इसमें कहा जाता है यू फील यू नो दैट यू जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आप बहुत परेशान होते हैं तो आपके अंदर वो एक सी फीलिंग आती है अंदर से एकदम मैं, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं ऐसी सोच आने लगती है और आपको खाने की इच्छा होती है यू ईट मोर देन यू नो यू शूट आप क्या करते हैं उस वक्त बिंज ईटिंग करते हैं जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं उतना खा लेते हैं खाना नहीं चाहिए था पर खाते जाते खाते जाते हैं बट अः uh, क्या होता है हम लोग ये नहीं रियलाइज करते कि थोड़ी देर के बाद मुझे गिल्ट भी होने वाली है कि मैंने क्यों ऐसे खाया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था राइट सो दिस इज वी शुड लुक इन टू सो यू नो जो हमारी शॉर्टकमिंग्स होती है वो हमें हैंडल करना आना चाहिए फियर ऑफ फेलियर हो पास्ट रिग्रेट्स जिंदगी में कोई गलती होगी जिंदगी में उसी को बार बार दिमाग में लाके बुरा मानना क्विक टंग मतलब बहुत नेगेटिवली किसी के बारे में बोलना या ओवर ईट करना ये सारी आदतें हमारी अपनी हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी किसी के कहने से हम अपने आप को नहीं बदल सकते हमें पहले अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत है तभी हम लोग अपने बिहेवियर को करेक्ट कर सकते हैं देखिए ड्रॉ अ टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ ये बहुत अच्छा सा एक यू नो एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं द स्टोरी ऑफ मी मतलब क्या है आपको जब से याद है पेपर पेन लेके बैठिए और आपको आपकी लाइफ को रिवाइंड करना है ठीक है आपको जब से याद है जैसे आपको आपकी अर्लिएस्ट मेमोरी क्या है मतलब अगर याद करें बहुत छोटे से याद करें तो मुझे जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे याद आता है कि मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने खिलौने लेके बैठती थी और एक कोने में बैठ के अपना शांति से खेलती रहती थी और एंड आई हैड अ हैबिट ऑफ ऑफ सकिंग एट दैट पॉइंट टाइम वाज वेरी स्मॉल तो मेरे फादर जो है उनको बड़ा अम्यूजिंग लगता था कि ये थम सक करती है तो ना वो मुझे uh, मैं खेलते खेलते एकदम पापा एकदम आके बोलते थे गुड़िया फेक्ट एंड यू नो आई वुड जस्ट लीव एवरीथिंग एंड देन आई पुट माय थम और मैं बैठ जाती थी तो मेरे लिए वो वो एक बड़ा सुकून का मोमेंट हुआ करता था मैं छोटी थी और अदर साइड माई मदर यूज टू बी वेरी एंग्री मम्मी पापा पे गुस्सा होती थी कि मैं उसकी आदत सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और आप उसको फिर से आपके मजे के लिए आप उसको मतलब उसको एनकरेज कर देते हो तो फिर बाद में मम्मी पापा ने प्रयास किया होगा कि ये हैबिट इज यू नो गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट उन्होंने फिर वो प्लास्टर हाथ में लगाना वो मिर्ची लगाना सब बाद में शुरू किया पर मुझे वो दिन याद है जब मैं एंजॉय करती थी तो मुझे वो दिन भी याद है जब मेरे हाथ में प्लास्टर्स बनते थे और मुझे वो झेलना पड़ता था राइट तो हमें अपनी लाइफ के वो वो सारे मोमेंट्स जो याद है उसको एक बार लिख लेना चाहिए अच्छे बुरे सब अच्छा क्या था मैं एंजॉय करती थी मेरे लिए बुरा क्या था कि मेरे हाथों में प्लास्टर बन गए थे उसके बाद स्कूल लाइफ में उसके बाद मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमारी लाइफ के कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हमारे छोटे बड़े इंसिडेंट्स कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं उसको हम लिख लेते हैं क्या होता है जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम अपने आप की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने लगते हैं अरे ऐसे सिचुएशन में मैं ऐसा था पर देखो इस सिचुएशन में मैंने यू नो ऐसा करना सीख लिया तो ये ये तरीके होते हैं और पता है एक न्यू परस्पेक्टिव हम गेन करते हैं लाइफ में जब हम अपनी आदतों को रीविजिट करते हैं या अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स को हम रिविजिट करते हैं तो हम अपने एक नए प्रोस्पेक्टिव के साथ पर्सपेक्टिव के साथ हम सोचने लगते हैं कि अरे मैं ऐसा भी तो कर सकता था राइट right? या मुझे अब कम से कम ऐसा करना चाहिए राइट सो दीज आर थिंग्स यू कैन डू आस्क फॉर फीडबैक एंड टेक इट एज वेल टेक इट वेल मतलब फीडबैक लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है टीचर्स में खास करके क्लास क्लास में class के लिए कोई आता हो या आप किसी अपने फ्रेंड को भी रिक्वेस्ट करते हैं आपके कलीग को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए मैं जब आज क्लास लेने जा रही हूँ आप मेरे क्लास में पीछे बैठिए और आप नोट करिए कि मेरे क्या पॉजिटिव और निगेटिव है देखिए बहुत अच्छा तरीका होता है अगर हम अपनी अपनी फीडबैक को मांग कर लेते हैं या अपने आप मिलता है ज्यादातर क्या होता है कि जब स्कूल अथॉरिटीज हमारा यू नो क्लास ऑब्जर्वेशन करते हैं और जब फीडबैक देते हैं ना तो हम थोड़े से जजमेंटल हो जाते हैं थोड़े से ना उसको बचाने कुछ नहीं मैम ऐसा नहीं है मैं हर रोज ऐसे नहीं करता हूँ कभी कभी ही ऐसा होता है हम लोग कहते हैं इस तरीके ये क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेना आना चाहिए हर चीज नेगेटिव नहीं होना चाहिए और हर चीज को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग जिंदगी हम लोग इंसान हैं गलतियां हमसे हो सकती है पर गलतियों को सुधारने का मौका भी हमें दिया जाता है राइट सो इट्स टू टेक फीडबैक एंड यू नो एक्सेप्ट इट इन द राइट वे अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने कोई पॉइंट मेरे बारे में बताई है उसको मैं सुधार सकता हूं तो क्यों नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि ये मुझे एक बेटर ह्यूमन बींग ही बनाएगा मुझे कोई बुरा इंसान तो नहीं बनाएगा ये आपको सोचना चाहिए डू सम माइक्रो ट्रेवल ये देखिए उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है मैं सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल बंधा हुआ हूं मुझे कहीं जाने के लिए भी समय नहीं मिलता है तो ये ये वेस्टर्न कल्चर है जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ बहुत बड़े बड़े ट्रिप्स को प्लान करना शायद हमारे लिए हमेशा संभव नहीं है हम कहते हैं ना वेकेशन पे जाना जरूरी है छुट्टी पे जाना चाहिए अपने आप को चार पांच दिन के लिए ये नो बिल्कुल आ, फ्री करके रहना बहुत जरूरी है पर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बड़े बड़े वैकेशन कर सकूं और ना ही मेरे पास इतना समय है तो उनके लिए माइक्रो ट्रैवल माइक्रो ट्रैवल का मतलब क्या है कि आपके आ, शहर में ही आ, आ, कोई ऐसी जगह होगी जिसमें आप आ, कभी गए नहीं हो या एक कोई ऐसी जगह जहाँ जाना आपको अच्छा लगता हो बहुत पसंद है जाना तो आ, आ, आप ये कर सकते हो कि उस जगह पे विजिट पे चले जाए किसी ना कानपुर मैं कानपुर से हूँ उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ कानपुर में बहुत कम जगह है जहाँ घूमने जाने की जगह हो तो मैं क्या करती हूँ कई बार मुझे जहाँ जाना पसंद है मैं वहां बार बार जाने की कोशिश करती हूँ उससे क्या होता है मेरा मन बड़ा खुश होता है यू कैन गो टू प्लेसेस वे यू लाइक गोइंग ऑफन तो ये इस ऐसी चीज करने में कोई बुराई नहीं है सो माइक्रो ट्रैवल इज समथिंग दैट यू कैन डू वी कैन ब्रॉडन आवर आइडिया ऑफ वॉट ट्रैवल मीन्स यू नो वी कैन गो टू लोकल प्लेसेज और सम प्लेसेज वेर वी हैव नॉट गॉन बिफोर और सम प्लेसेज वेर वी लाइक टू गो ऑफ ठीक है ये आपके लिए लर्न मुझे सबसे पसंद है मतलब जो चीजें मुझे नहीं आती मुझे सीखने का बहुत शौक है तो मैं कोशिश करती हूँ कि नई नई चीजें सीखू आज ही किसी ने uh, मुझे दिखाया कि यू नो दीज आर हैंडमेड प्रोडक्ट्स और इसमें ना छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी करके किसी ने बैग्स बनाए हैं और यू नो दे मुझे लगा कि देखो एम्ब्रॉयडरी समथिंग विच इज विच इज विच यू कैन लर्न ठीक है मुझे वो जो चीज देख के बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे सीखने में भी तो कितना मजा आएगा राइट तो कोशिश करना चाहिए कि जो स्किल्स हम में नहीं है और किसी और में है और वो आपको इंटरेस्ट करता है तो सीखना चाहिए देखिए छोटा बच्चा कैसे सीखता है क्यों सीखता है जल्दी क्योंकि उसमें वो इनक्विजिटिवनेस होती है तो हम में भी बड़े होने के बावजूद अगर इनक्विजिटिवनेस हो सीखने की चाहत हो तो हम जरूर किसी ना किसी चीज को एंजॉय भी कर सकते हैं राइट right? लैंग्वेजेस सीखना नई नई भाषाओं को सीखना गाना सीखना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना गार्डनिंग मेरा तो फेवरेट है गार्डनिंग नए नए तरीके मैं तो गार्डनिंग करने लगी तो विंटर फ्लावर्स क्या होते हैं समर में कौन से फूल आते हैं पौधे में ज्यादा फूल आने के लिए क्या क्या डालना चाहिए यू नो खाद कैसे बनाना चाहिए सो so यू देखिये in जब हम अपना सोचने का तरीका ढूंढते हैं चेंज करते हैं तो हम लोग बहुत पॉजिटिविटी से भर जाते हैं राइट आईडेंटिफाई कॉग्नेटिव डिस्टॉक्शन देखिए इसमें भी एक बहुत अच्छा है कॉग्नेटिव डिसऑर्डर क्या होता है जो हमारी आदतें हैं जो हम बदलना नहीं चाहते हैं देखिए एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ गाड़ी चलाते हैं हम लोग गाड़ी चलाते हैं क्या होता है अगर कोई ज्यादा हॉर्न बजाता तो आपको लगता है ये इसको क्यों ये क्यों इतना हॉर्न बजा रहा है हॉर्न बजाए बिना भी तो काम चल सकता है या कोई यू नो गलत तरह से पार्क करता है तो हम है ना इरिटेट होते हैं कि देखो उसको पार्क करना भी नहीं आता या सिग्नल पे कोई सिग्नल कट करके गाड़ी चला के चला जाता है तो हम लोग कहते हैं कैसा इंसान है राइट right? अब हम लोग दूसरों को तो बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं क्रिटिसाइज कर देते हैं और जब हम खुद ऐसी कोई गलती कर देते हैं तो हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि अरे नहीं मतलब ऐसा नहीं था मुझे आज जल्दी थी ना इसलिए मैंने सिग्नल कट किया नहीं तो मैं ऐसे सिग्नल कट नहीं करता हूं तो देखिए रिएक्शंस हमारे तभी होने चाहिए जब हमारे बिहेवियर में वो फ्लॉ हो ही ना राइट सो मेकिंग स्वीपिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिंगल इवेंट इज रॉन्ग किसी ने एक बार कई बार होता है ना एक बार बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो आपने जिंदगी भर उसको ताना दिया है तुमने पता है ऐसा किया था या घर पे भी होता है ना एक बार खाने में नमक ज्यादा डल गया तो क्या बोला जाता है इनकी आदत है नमक ज्यादा डालने की एक बार हुआ होगा पर आप बोलोगे क्या इनकी तो आदत है नमक ज्यादा डालने की तो ये ये जो जनरलाइज ओवर जनरलाइजेशन है ये बहुत गलत बात होती है क्योंकि ये सामने वाले को बहुत ज्यादा ज्यादावेट करता है और ये हमें कभी नहीं करना चाहे चाहिए चाहे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देखिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉग्नेटिव डिसऑर्डर का हमारे सोचने का तरीका तीन गाड़ियां खड़ी है सबसे वाली आगे जो गाड़ी खड़ी है वो कहता है आई एम स्टिल एंग्री एट दिस रेड लाइट मतलब सिग्नल पे खड़े हैं, बोलते है लाइट लाल है, इससे मैं बहुत गुस्सा हूं ठीक है अब सिग्नल फॉलो करना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जरूरी है पर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है दूसरा वाला कह रहा है जो मेरे पीछे खड़ा ना उसको बड़े मजे आ रहे हैं हम यहाँ पे सिग्नल में फंसे हुए और उसको बड़े मजे आ रहे हैं और तीसरा वाला क्या कर रहा है उसने म्यूजिक थोड़ा लाउड किया कहता है अभी तो सिग्नल खुलने में यू you नो know, पूरे uh, पच्चीस सेकेंड है लेट मी एंजॉय दिस म्यूजिक वो अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा है तीनों जन सिग्नल पे खड़े हैं तीनों का सोचने का तरीका अलग है हाउ डू यू परसीव थिंग्स हाउ डू यू थिंक अबाउट अदर्स राइट दिस इज वॉट मेक्स अ डिफरेंस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड विल ऑलवेज हेल्प यू टू टेक थिंग्स ईजी इन लाइफ राइट how to increase self awareness the 10th point is make time to clarify your values देखिए कई बार हमारे अपने वैल्यूज को भी करेक्ट करने की जरूरत होती है मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं अरे उसके पास नई नई गाड़ी है उसके पास बड़ा घर है अरे देखो कितनी स्लिम एंड ट्रिम है वो पता नहीं क्या करती है या देखो उसका बच्चा कितने अच्छे स्कूल में पढ़ता है हम लोग जनरली क्या होता है हम लोग ना जेलस होते हैं लोगों के अचीवमेंट से या लोगों के पास क्या होता है उससे कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे पास है जो हमारे काबिलियत के अनुसार है अगर हम कर पा रहे हैं तो मुझे अपना कंपैरिजन दूसरों से करके क्या करना क्या करना है यू नो वाई आर वी हियर वॉट आर वी कॉल टू डू वॉट मेक्स फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ दैट वी कैन बी ट्रूली प्राउड ऑफ द दैट वी शुड मेरी अगर पच्चीस हजार रुपये है तो मुझे बड़ी गाड़ी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मेरी स्कूटी मेरे लिए बहुत अच्छी गाड़ी है राइट बड़ी अ, मेरा बच्चा अ, जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी फीस मैं अच्छे से अफोर्ड कर सकता हूँ मैं दूसरी हाई लेवल के स्कूल में भेज नहीं सकता हूँ तो मुझे उसके बारे में सोचना ही क्यों है और बची बात वेस्ट लाइन की अगर मैं Uh, uh, कोशिश नहीं कर सकता पतले होने की और मेरे अपनी यू uh, नो you know, डाइटिंग प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करने की अच्छा खाना सही खाना और समय पे खाना और एक्सरसाइज करना अगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो मुझे दूसरों के वेस्ट लाइन से क्यों जलन है नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें राइट और रॉन्ग वही लगता है जो हमारा दिमाग सोचता है अगर हम सही तरीके से सोचेंगे कंटेंटमेंट इज द मंत्रा फॉर अटिस्फैक्ट्री लाइफ सैयद आई एम सो हैपी दैट यू से हम लोग जो हमारे पास है अगर हम उससे खुश रहते हैं तृप्त रहते हैं तो हमारी लाइफ में झंझट कम होते हैं हम किसी को खुश नहीं कर सकते किसी को दुखी नहीं कर सकते तो अगर हम जिस तरह से हैं उस तरह से अपनी लाइफ को सामने वाले को भी समझा सकते कि ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए हम गलत एक्सपेक्टेशंस लोगों को बिल्ड करने देते हैं सच्चाई क्या है ये लोगों को पता होना चाहिए मेरी सैलरी इतनी है इसमें मैं आपको चार्ट खिलाने ले जा सकता हूं फाइव स्टार नहीं ले जा सकता तो चार्ट खाने में का आनंद भी तो अलग होता है मस्ती तो अलग ही होती है एंजॉय इट राइट दिस इज वॉट यू हैव टू हैव एज एन अंडरस्टैंडिंग विथ योर फैमिली विथ योर चिल्ड्रेन विद द पीपल अराउंड यू हाउ टू डेवलप एंड इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस लुक एट योर सेल्फ ऑब्जेक्टिवली जो कर सकते हो वो आपको करना है लिखिए कीप अ जर्नल राइट डाउन योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज मैं कहती हूँ ना टू डू लिस्ट बनाइए रोज टिक करते जाइए क्या क्या काम आपने करे इतनी सेटिस्फैक्शन होती है पूछिए मत क्योंकि आपको पता है कि मैं इस सब कामों को अच्छे से कर पा रहा हूं परफॉर्म डेली रिफ्लेक्शन दस मिनट पंद्रह मिनट बैठ के सेल्फ एनालिसिस करिए इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आज मेरे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ सबसे बुरा क्या हुआ कुछ ऐसा जो मैं बदल सकता था क्या हुआ अच्छा हुआ उसको कंटिन्यू करिए बुरा हुआ उसको आपके में से काट दीजिए, आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसको इंप्रूव करिए प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड अदर माइंडफुल हैबिट्स बहुत देर तक मेडिटेट ना करें थोड़ी देर ध्यान लगाने की कोशिश करें, कुछ अच्छा भजन सुनिए कुछ अच्छा पढ़िए कुछ अच्छा सोचिए यू नो यू कैन डू दैट और अगर आपको लगता है कि यू you नो know, आपको एक किसी इंटरवेंशन की जरूरत है किसी आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत है तो अपनी पर्सनालिटी और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करा सकते हैं जिससे आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में पता चल सके इन यू नो राइट मैनर साइकोलॉजिस्ट करते हैं काउंसलर्स करते हैं इससे क्या होता है कि आपकी कमियां और आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलते हैं उसके अलावा आपके फ्रेंड्स से कहिए कि आप अगर मुझे डिस्क्राइब करेंगे तो आपके हिसाब से मैं कैसा इंसान हूं राइट सो व्हेन यू व्हेन यू आस्क समवन टू टेल यू दे विल टेल यू व्हाट आर राइट एंड व्हाट आर रॉंग्स इन यू आस्क फॉर फीडबैक एट वर्क एट प्लेस ऑफ वर्क पॉजिटिव फीडबैक लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आप में गलतियां होंगी आप में अच्छाइयां होंगी जब आप उसको समझेंगे तभी तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकेंगे हाउ डज सेल्फ अवेयरनेस रिलेट टू बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट वेन यू आर सेल्फ अवेयर यू कैन सी वेयर योर था इमोशंस आर गाइडिंग यू जैसे मैंने बोला ना रियालिटी क्या है पिक्चर देख रहे हो नीचे दिया है एक बिल्ली मिररर uh, में देख के अगर वो सोचे कि मैं शेर मैं शेर हूं तो वो शेर नहीं बन जाएगा आपको अपनी रियालिटी अपनी पर्सनालिटी अपना बिहेवियर अपना इमोशन समझ में आना चाहिए क्योंकि आप जो हो वो हो आप अपने आप को इम्प्रूवाइज कर सकते हो पर आप अपने आप को थ्री सिक्सटी डिग्री यू नो टर्न करके कोई एक अलग इंसान नहीं बना सकते हो क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ज योर सेल्फ कंप्लीटली और फिर क्या जरूरी है अपने आपको हंड्रेड परसेंट चेंज करना ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं राइट right? बच्चों को क्या सिखा सकते हैं टीच अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस डेली इमोशनल चेक इन आप आज हैप्पी हैं किन चीजों के कारण हैप्पी है आप आज सैड थे तो किस चीज के कारण सैड थे एक्सप्लेन दैट फैक्टर टू हिम प्रैक्टिस माइंडफुलनेस छोटे बच्चों के साथ आप यू नो Uh, वो वो बोलते ना आई स्टेयरिंग गेम खेल सकते हैं कि चलिए आप आंख खोल के मेरी आंखों में देखिए और हम देखेंगे हम एक दूसरे की आंख में कितनी देर देख सकते हैं तो क्या होता है एक मिनट से कम ही लोग कर पाते हैं कुछ सेकेंड्स कर पाते हैं तो उस पर थोड़ी सी देर फोकस आ जाता है मीट फॉर वीकली इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस हो सके तो बच्चों के साथ समय निकालिए बैठिए यू नो और बच्चों को खूब यू नो कॉम्प्लीमेंट करा करिए अच्छा काम करे तो उनको अप्रिशिएट करिए अच्छा काम करने के लिए स्टेप उठाए तो अप्रिशिएट करिए मतलब तरीका ये होता है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलना आपके लिए एक आसान काम होना चाहिए सबको थैंक यू बोलिए जो आपके लाइफ में इतना सा भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसको भी थैंक यू करिए नई चीजें सीखिए जर्नलिंग करिए लिखने का काम करिए ऐसा इंटरेस्ट एंड पैशन डेवलप करिए जो आप हमेशा करना चाहते थे बच्चों में ढूंढिये उनके इंटरेस्ट को राइट right? एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है यहाँ पे जो बच्चों के साथ आप करा सकते हैं कभी कोई बच्चे के साथ झगड़ा हो जाता है क्लासरूम में भी कर सकते हैं आपने देखा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा है या उसको उसके साथ लड़ाई करी है तो माय बिहेवियर रिफ्लेक्शन शीट है व्हेन आई डिड दिस मैंने जब उसको मारा तो मेरी फीलिंग क्या थी दिस है क्या हुआ उसके बाद मैं, मैंने जब ऐसा बिहेवियर किया मुझे गुस्सा आया तो मैंने क्या किया मैंने उसको थप्पड़ मारा और क्या ये सही था यू शुड आई हैव डन दैट सो नेक्स्ट टाइम व्हाट विल आई डू अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे साथ में बैठ के उससे बातचीत करनी चाहिए एंड दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन राइट विद आई कम टू द लास्ट स्लाइड आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगी थोड़े से कोटेशन हैं जो मुझे खुद बहुत पसंद है बींग सेल्फ अवेयर इज नॉट द एबेंस ऑफ मिस्टेक्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप में गलतियां हो ही नहीं सकती है बट द अबिलिटी टू लर्न एंड करेक्ट हम सब में कमियां हैं हम सब गलतियां करते हैं पर अगर हम अपने कमियों को सुधार लें हम अपने गलतियों को यू uh, नो you know, ना दोहराने का प्रयास करें तो हम लोग सब एक सेल्फ अवेयर पर्सन कहलाएंगे सेल्फ अवेयरनेस अलाउज यू टू सेल्फ करेक्ट Right? It is to know your flaws and अपने, में और अपने में क्या बुरा है ये जानना बहुत जरूरी है इट ड मीन यू ऑन देम और यू डाउन योर सेल्फ इफ यूर स्टेट देखिए क्या है मुझमें कोई बुरी आदत हो ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है या मैं बहुत अब्यूज हूं या मैं मारता हूँ और मुझे रियलाइज हो जाए तो मुझे जिंदगी भर उस दुख के साथ रहने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मारने से कोई चीज ठीक नहीं होती मारने से बिहे, बिहेवियर वर्स हो सकता है तो यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ एक्नोलेज करो कि मेरे में ये बुराइयां थी पर मैं अब उसको सुधार के अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ इट इज इंपॉर्टेंट बी सेल्फ अवेयर टू नो वाई यू डू थिंग्स दैट यू डू सेल्फ अवेयरनेस से आपको ये भी पता चल जाता है कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ मैं ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ और कैसे बिहेवियर लोगों को पसंद है और क्यों मुझे लोगों की सोच के बारे में सोचना चाहिए कहते हैं ना लोग कहते हैं दूसरों के बारे में मत सोचा करो अपने बारे में सोचा करो ये गलत है दूसरों के बारे में सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सामने वाला भी वैसे ही सोचने लगेगा तो आप लोगों में भी कभी भी कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बन सकता सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेस अपने थॉट अपने बिलीफ अपने मोटिवेशन अपने इमोशंस सबको क्लैरिटी के साथ समझे और बेस्ड ऑन दैट अपने में पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास करें चेंजेस कैन स्लोली एंड ऑफ सेशन एंड आई होप एंड प्रे दैट you वन ऑफ this, uh, this session today विल गो बैक एंड थिंक आज ना पांच मिनट एक सेल्फ यू नो एनालिसिस कर लीजिए क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जो है ना इट गिव्स अस पावर द पावर टू डिसाइड व्हाट टू डू विथ व्हाट वी फील थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सेशन एंड आई होप वन ऑफ यू अटेंडेड दिस सेशन विल यूडिंक अबाउट हाउ वन शुड रिस्पॉन्ड वैन थिंग्स आर नॉट गुड